दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। प्रदेश में फल उत्पादन के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का लगभग 71% हिस्सा सेब उत्पादन से जुड़ा है। वहीं ओलावृष्टि होने से हर साल हिमाचल प्रदेश में करीब 400 से 500 करोड़ का नुकसान आंका जाता है। इसे निपटने को डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी नौणी के कंडाघाट स्थित रिसर्च स्टेशन में इस तकनीक का प्रयोग चल रहा है। विश्वविद्यालय की टीम ये परखेगी कि ये तकनीक कितनी कारगर है। IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने पानी की बूंदों को ओले में बदलने की प्रक्रिया को रोकने की तकनीक वाली हेलगन ईजाद कर ली है। इसके उपयोग से सेब की फसल को हर साल होने वाला 400 से 500 करोड़ रुपए का नुकसान बच जाएगा। हेलगन में मिसाइल और लड़ाकू विमान चलाने वाली तकनीक का प्रयोग किया गया है। हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष ओलावृष्टि से किसानों और बागवानों की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और ये आंकड़ा लगभग 200 से 500 करोड़ प्रतिवर्ष का जो नुकसान होता है इसे आंका गया है। और इसमें अभी तक जो है ख़ास तौर पर हमने अपने बगीचों को बचाने के लिए जो है नेट एंटी हेल नेट जो है उनका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, मगर इनमें भी बहुत मुश्किलें आती हैं हमारे बागवान भाइयों को, क्योंकि इनको लगाना उनके लिए स्टैगिंग मटेरियल है, फिर उसके अंदर जो पौधे हैं उनको भी काफ़ी अवरुद्धता होती है, उनकी ग्रोथ में प्रभावित होती है, वहाँ जो लाइट बाहर से मिलती है उस इफेक्ट होती है, उत्पादन में भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका दूसरा रास्ता जो था वो ये था कि जो एंटी हेल गन्स जो हैं वो एक और माध्यम था जिसको उपयोग में लाकर हम जो है ओलावृष्टि को कम कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। देश सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में एंटी हेल गन कुछ लाई थी जो कि विदेशों से आयात हुई, और इसका जो ये काफ़ी महंगी एंटी हेल गन्स थी जिसमें कि लगभग 70-75 लाख एक एंटी हेल गन का कॉस्ट पड़ती है, और इसको फ्यूलिंग के लिए भी एक सिलेंडर जो लगता है जिसमें एसिटिलीन गैस पड़ती है। तो हम लोगों ने, क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश सरकार के जो है आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर प्रदेश की बात करते हैं, तो हम लोगों ने भी कुछ समय पहले जो है इंडिजिनस एंटी हेल गन पे काम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश में इस काम शुरू करने के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय नौनी ने IIT बॉम्बे जो कि कम्बस्टन रिसर्च लेबोरेटरी उनकी डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग का है, वहाँ पर जो है कुछ कार्य किया गया जिसमें डिज़ाइनिंग एंड फैब्रिकेशन एंटी हेल गन की जो है वो लोग करेंगे, और उसका फील्ड एवेल्युएशन हमारा जो बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौनी है उनके साथ मिलकर फील्ड में करेगा। एक एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन कर लिया है और ये एंटी हेल गन इंडिजिनस जो है हम लोगों ने हमारा एक कृषि विज्ञान केंद्र और रिसर्च स्टेशन कंडाघाट सोलन जिले में है वहाँ पर इसको स्थापित कर दिया गया है। ये 22 फुट लंबा एक ढांचा है और जिसमें कि इसकी विशेषता है कि 8 से 10 लाख इसकी कीमत की संभावना है, और इसमें जो हमने अभी बात की है एसिटिलीन गैस की, उसकी जगह जो है नॉर्मल फ्यूल जैसे LPG गैस होती है, काफ़ी सस्ती होती है, उसका उपयोग हम लोग चाह रहे हैं और उसके उपयोग इसमें किया जाएगा। और इसमें एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर दी गई है और उम्मीद है कुछ समय के बाद हम लोग इसको एवेल्युएट करके अपने बागवानों किसानों के लिए ये नई तकनीक जो कि काफ़ी सस्ती है, जो कि इंडिजिनस है, उसको हम दे पाएंगे। चल प्रदेश में हेल स्टॉर्म्स आने से हमारी फसलों को बहुत नुकसान होता है, इसको मद्देनज़र रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जून 2018 में एक हमारे यहाँ पर्यावरण विज्ञान विभाग में वर्कशॉप का आयोजन किया था जो MIDH स्कीम के तहत हुई थी। इसमें हमने विस्तार से चर्चा की थी कि कैसे हमारी फसलों को कितना डैमेज हो रहा है और किस समय कितनी फ्रीक्वेंसी हेल स्टॉर्म्स की रहती है। तो उसमें हमारे IIT बॉम्बे से भी एक्सपर्ट्स आए थे और IIT हैदराबाद से एक्सपर्ट्स आए थे और विभाग के सभी अधिकारी थे, हमारे यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स थे। तो उसमें हमारा ये कंक्लूजन निकला था कि जो हमारे ऑलरेडी फार्मर्स एंटी हेयर गन्स लगा करके इसको चेक कर रहे हैं तो कि इंडिजिनस एंटी हेयर गन्स डिवेलप की जाए, ऐसा उसकी एक रिकमेंडेशंस थी।
और विस्तार से चर्चा हुई थी कि कितना नुकसान होता है, और इसके ऊपर हमने भी आकलन किया था कि काफ़ी लॉस हमारी क्रॉप्स को हेल स्टॉर्म्स की वजह से होता है। तो उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ने आईआईटी बॉम्बे के डिपार्टमेंट ऑफ एयरोस्पेस इंजीनियरिंग से एमओयू किया। वहाँ प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ऑफ एयरोस्पेस इंजीनियरिंग डॉक्टर सुदर्शन जी हैं, उनके साथ हमारा एमओयू हुआ कि हम डिपार्टमेंट मिलकर के उनके साथ इस स्टडीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आईआईटी बॉम्बे ने डॉक्टर सुदर्शन एज ए पीआई, इन्होंने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये प्रोजेक्ट फिर लगभग 84 लाख का सेंक्शन हुआ डॉक्टर सुदर्शन जी को, जिसमें इंडिजिनस एंटी हेयर गन्स डिवेलप करने के लिए प्रोविज़न था। तो अब हमारी ये जो गन है जो आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप किया है, ये इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट केबीके एंड इट्स इवेल्युएशन इज़ बीइंग स्टार्टेड, एंड अब हम विभाग के साथ कोलैबोरेट करके इसको फील्ड में इवेल्युएट करेंगे कि कितना इसका इफेक्ट है। तो हमारा काम शुरू हो गया है, और ये लगभग जैसे अभी प्रेलिमिनरी हमने एस्टिमेट लगाया है, मेरी डॉक्टर सुदर्शन जी से बात हुई थी, तो इसमें लगभग 10 लाख के करीब इसकी अभी कॉस्ट आ रही है और एलपीजी से ये चलेगी। हिमाचल प्रदेश में हर साल किसानों और बागवानों को ओलावृष्टि से 500 करोड़ का नुकसान होता है। ओलावृष्टि से बचने के लिए किसान और बागवान पहले नेट का प्रयोग करते थे, लेकिन अब नौणी विश्वविद्यालय और आईआईटी बॉम्बे के जरिए किसान अब ओलावृष्टि से अपनी फसलों को बचाने के लिए हेल गन का प्रयोग करेंगे। नौणी विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक है इस पर अभी शोध कार्य कर रहे हैं, और जल्द ही किसानों और बागवानों को ये सौगात में मिलेगी। बता दें कि जो हेल गन पहले किसानों को मिलती थी वो 80 से 85 लाख की उसकी कीमत होती थी, लेकिन अब जो ये हेल गन नौणी विश्वविद्यालय के शोध कार्य से किसानों को मिलने वाली है उसकी कीमत 10 लाख के करीब बताई जा रही है, जो कि किसान आसानी से खरीद सकते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है, और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।